जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बानी पीसीएस एकेडमी पे। दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जानने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास का एक और वीडियो, जिसमें हम कुछ साक्ष्यों को और जानेंगे, कुछ तथ्यों को और जानेंगे उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास से संबंधित। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंतर्गत हम देखें तो एक महत्वपूर्ण स्थल है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा से जो है 1000 कहीं कहीं किसी बुक में 1000 मिलता है, किसी बुक में 1025 ईस्वी मिलता है। यहाँ से बात करें तो यहाँ से जो है ईसा पूर्व से देखें तो लौह साक्ष यानी लोहे के साक्ष जो है देखने को मिले हैं, ठीक है। उसके बाद जो है धान की खेती के प्रमाण भी जो है देखने को मिले हैं। उसके बाद गैरिक या कृष्ण लोहित मृद भांड यानी काले लोहित काले और लोहे से मिश्रण करके जो मृद भांड बनाया गया था उसके भी साक्ष्य जो है अतरंजी खेड़ा से देखने को मिले हैं। और बात करें अतरंजी खेड़ा से और क्या देखने को मिला है तो सुंग कुषाण उसके बाद गुप्त वंश के शासकों की जानकारी जो है हमें अतरंजी खेड़ा से देखने को मिली है। तो यहाँ अतरंजी खेड़ा से संबंधित 4-5 महत्वपूर्ण तथ्य थे, जैसे लोहे के साक्ष्य हो गए, धान की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण जो है उत्तर प्रदेश में यहाँ से देखने को मिले हैं, ठीक है। इससे पूर्व में बात करें तो एक स्थल और है कोहलडीहा, वहां से भी जो है धान की खेती के प्रमाण के साक्ष्य देखने को मिले हैं, जो 6500 ईस्वी पूर्व है यानी 6500 ईसा पूर्व से संबंधित थे। उसके बाद बात करें एक और जो है साक्ष्य है, जो अभी नवीनतम साक्ष्यों के आधार पर जो नवीनतम खोजों के आधार पर देखा गया है कि सबसे प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य जो है उत्तर प्रदेश के लहुरा देव से जो है देखने को मिले हैं, ठीक है। वहां से 8 से 9 हजार ईसा पूर्व जो है धान की खेती के साक्ष्य जो है देखने को मिले थे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं और एक महत्वपूर्ण तथ्य कि अयोध्या का प्राचीन नाम की अगर हम लोग बात करें तो अयोध्या का प्राचीन नाम जो है अयाज्यसा था। क्या अयाज्यसा जो है अयोध्या को प्राचीन नाम के रूप में जानते थे। और बात करें अयोध्या से जो है एक बौद्ध का स्तूप प्राप्त हुआ है, जो किसने बनवाया था दोस्तों, जो है अशोक से संबंधित जो है अयोध्या का एक स्तूप साक्ष्य यानी प्राप्त देखने को मिला है अयोध्या से। और बात करें अन्य साक्ष्यों के आधार पर बात करें तो जैन ग्रंथों के अनुसार की अगर हम लोग बात करें तो 5 जैन धर्म में टोटल जो है 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें से इन 24 तीर्थंकरों में से जो है 5 तीर्थंकर का जन्म जो है अयोध्या में हुआ था। तो चलिए देख लेते हैं इन तीर्थंकरों का नाम क्या है। तो दोस्तों इनमें बात करें प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, जिन्हें आदिदेव भी कहते हैं, ठीक है। ये प्रथम तीर्थंकर हैं, ठीक है, इनका जन्म भी अयोध्या में हुआ था। उसके बाद द्वितीय तीर्थंकर हैं जो है अजितनाथ, इनका भी जन्म जो है अयोध्या में हुआ था। चतुर्थ तीर्थंकर थे अभिनंदन, ठीक है, इनका भी जन्म जो है अयोध्या से संबंधित था। पंचम तीर्थंकर यानी पांचवें तीर्थंकर जो है सुमितनाथ हैं, इनका भी जन्म जो है अयोध्या से संबंधित था। चौदहवें तीर्थंकर की बात करें अनंतनाथ, यानी चौदहवें तीर्थंकर की बात करें अनंतनाथ, इनका भी जन्म जो है अयोध्या से संबंधित है। टोटल जो है 24 तीर्थंकर दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। इसमें 24वें तीर्थंकर दोस्तों जो है महावीर स्वामी है। क्या कौन है? महावीर स्वामी दोस्तों इस जैन धर्म के जो है 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। एक स्थान है अहिछत्र, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा यदि आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा उत्तर प्रदेश से इतिहास से संबंधित, तो एक राजधानी हुआ करती थी उस मतलब एक जो है महाजनपद हुआ करता था, उस महाजनपद की जो है राजधानी अहिछत्र हुआ करती थी। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कौन से जो है महाजनपद की राजधानी अहिछत्र हुआ करती थी, ठीक है। तो अहिछत्र से मित्र की उपाधि वाले जो है सिक्के मिले हैं जो 300 से 200 ईसा पूर्व से संबंधित हैं, ठीक है। यहाँ से बात करें अहिछत्र के जो मित्र के जो सिक्के प्राप्त हुए हैं, इससे बात करें तो अच्युत को गुप्त नरेश समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। यहाँ से जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उससे जो है साक्ष्य प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला एक महत्वपूर्ण स्थल है कन्नौज। कन्नौज की अगर हम लोग बात करें तो कन्नौज का जो है प्राचीन नाम दोस्तों कान्यकुब्ज हुआ करता था। क्या? कन्नौज का प्राचीन नाम कान्यकुब्ज हुआ करता था। यहाँ से साक्ष्य की बात करें तो साक्ष्य उत्तरी काले पालीदार मृद भांड जो है कन्नौज से प्राप्त हुए हैं। किस वंश से संबंधित थे दोस्तों? तो यह कुषाण वंश से संबंधित थे,
जो यहाँ से उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड देखने को मिले हैं, मृदभांड मतलब दोस्तों मिट्टी के बर्तन जो देखने को मिले हैं, वह जो है कन्नौज से देखने को मिले हैं। वह किस वंश से संबंधित था, तो यह कुषाण वंश से संबंधित था। चलिए अगला देखते हैं, पुष्पभूति वंश के शासक दोस्तों हर्षवर्धन, यानी वर्धन वंश जिसे भी कहा जाता है, या पुष्पभूति वंश की जो थानेश्वर में थे दोस्तों, कहां इनकी मेन शाखा बात करें तो थानेश्वर में थी, ठीक है। पुष्पभूति वंश के शासक हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी तक कन्नौज पर इसने जो है शासन किया था, हर्षवर्धन ने। इसकी जानकारी कहां से मिलती है दोस्तों, हर्षवर्धन द्वारा जो है एक जो है आयोजन किया जाता था प्रति 5 वर्ष में प्रयागराज में, वहां जितना भी यह धन इकट्ठा होता था 5 साल में उसे यह दान कर देता था, ठीक है। इसकी जानकारी कहां से मिलती है, तो प्रयाग प्रशस्ति से जो है इसकी जानकारी मिलती है। अब कन्नौज के अगर हम अन्य नाम की बात करें कि कन्नौज का अन्य नाम क्या है, तो दोस्तों कन्नौज को जो है महोदय श्री भी कहते हैं और महोदय नगर भी कहते हैं। यह भी कई बार प्रश्नों में पूछा गया है कि महोदय नगर जो है किसे कहा गया है या महोदय श्री किसे कहा गया है। और दोस्तों प्राचीन काल में बात करें तो कन्नौज को लोग लेकर जो है एक त्रिकोणीय युद्ध हुआ था, यानी जिसे त्रिकोणीय संघर्ष के नाम से जानते हैं दोस्तों। यह कई भागों में जो है 15 पार्टों में यह युद्ध होता है, ठीक है। कन्नौज का जो त्रिकोणीय संघर्ष होता है किनके बीच में होता है, तो यह जो है गुर्जर प्रतिहार वंश, उसके बाद बंगाल के पाल वंश और दक्षिण भारत के जो राष्ट्रकूट वंश थे, तीनों को लोग लेकर जो है कन्नौज के लेकर संघर्ष हुआ था, जिसे जो है त्रिकोणीय संघर्ष नाम से हम लोग जानते हैं। राष्ट्रकूट दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका संस्थापक जो है दंती दुर्ग था। क्या? दंती दुर्ग था। पाल वंश के संस्थापक की हम लोग बात करें, बंगाल में पाल वंश था, सेन वंश था, ऐसे थे दोस्तों, तो पाल वंश का संस्थापक जो है गोपाल था। इसका सबसे महत्वपूर्ण शासक की बात करें तो इसका सबसे महत्वपूर्ण और प्रतापी शासक धर्मपाल था। क्या दोस्तों? धर्मपाल था, ठीक है। चलिए अब और एक महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं कन्नौज के बारे में। 1018 AD यानी 1018 ईस्वी में दोस्तों महमूद गजनवी द्वारा जो है कन्नौज पर आक्रमण किया गया था। जैसा कि आप सभी को पता होगा, इतिहास में आप लोग पढ़ते होंगे कि महमूद गजनवी द्वारा जो है भारत में 17 बार आक्रमण किए गए, 1000 से लेके 1027 ईस्वी तक जो है यह जो है महमूद गजनवी भारत पर लगातार 17 बार आक्रमण किए। आता था, धन ढोता था, उसके बाद धन को लेके जाता था, फिर रखता था, फिर आता था, फिर युद्ध करता था, फिर लेके जाता था, ठीक है। इसी तरह जो है भारत को महमूद गजनवी द्वारा जो है 17 बार लूटा गया। अब चलिए उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों की चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हर वीडियो में 3, 4 या 5 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों की चर्चा करते हैं, तो इसमें सबसे पहले जानते हैं एक महत्वपूर्ण स्थल है कांपिल। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि जो है किस महाजनपद की राजधानी जो है कांपिल हुआ करती थी, ठीक है। कांपिल की अगर हम लोग बात करें तो प्राचीन काल में यह जो है शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। वैसे प्राचीन काल में शिक्षा के केंद्र की बात करें तो उस समय नालंदा भी हुआ करता था दोस्तों, उसके बाद तक्षशिला भी हुआ करता था, गुजरात में एक था बल्लभी, ठीक। वह बल्लभी भी जो है प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। तो ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा कि कौन से क्षेत्र कहाँ पे पड़ते हैं। जैसे नालंदा बिहार में, तक्षशिला की बात करें वर्तमान समय में या पाकिस्तान में लाहौर वाले क्षेत्र में है, ठीक है। एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल की अगर हम लोग बात करें तो अहरौरा है वह महत्वपूर्ण स्थल जो मिर्जापुर में पड़ता है। यहाँ से दोस्तों अशोक के लघु शिलालेख मिले हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्या? अशोक के जो है लघु शिलालेख कहाँ से मिले हैं, तो यह दोस्तों उत्तर प्रदेश के अहरौरा मिर्जापुर। मिर्जापुर को दोस्तों कालीन नगरी के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। वैसे एक स्थान और, जैसे उत्तर प्रदेश द्वारा एक योजना चलाया गया है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी OPOD परियोजना चलाई गई है, उसके अंतर्गत जो है अब इसको बात करें, हापुड़ दोस्तों एक पड़ता है वहां पे, ठीक है। सॉरी दोस्तों, संत रविदास नगर जिसे भदोही भी कहते हैं, उसको भी जो है वर्तमान समय में ODOP में जो है कालीन नगरी का जो है उत्पाद दिया गया है, ठीक है। अब यही चीज समझ में नहीं आता, आयोग जो है प्रश्न पूछता है तो आप लोग जो है वो संत रविदास नगर यानी भदोही लगा के आइएगा दोस्तों, यह जो है बनारस के पास पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है महत्वपूर्ण स्थल है सारनाथ, जो वाराणसी में पड़ता है, ठीक है। सारनाथ का प्राचीनतम नाम जो है ऋषि पत्तनम हुआ करता था, ठीक है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि महात्मा बुद्ध द्वारा जो है यहाँ पे अपना जो है प्रथम उपदेश दिया था, जिसे जो है धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। यहाँ से बात करें तो यहाँ से जो है अशोक के लघु स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं।
अहरौरा से लघु शिला लेख प्राप्त हुए, लेकिन बात करें सारनाथ से जो है लघु स्तंभ लेख प्राप्त हुए, यानी जितने भी स्तंभ लेख जहां से प्राप्त होते थे वहां पे दोस्तों अशोक द्वारा जो है राजकीय घोषणा उस पर जो है लिखा हुआ था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अशोक के काल के जो स्तंभ लेख है उसको किस अंग्रेज ने पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का यह प्रश्न है। तो यह था हमारा उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो। इसके बाद दोस्तों एक दो वीडियो और आएंगे, यदि आपको अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। प्राचीन इतिहास से संबंधित यह दोस्तों तीसरा वीडियो है, ठीक है, तीसरा वीडियो प्राचीन इतिहास से संबंधित। 2 से 3 वीडियो में जो है उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास के बाद मध्यकाल इतिहास देखेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आपसे यहीं पे विदा लेते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।